मोतिहारी आईएमए भवन में सर्जन डॉक्टर्स ने डॉक्टर डी नाथ की अध्यक्षता में रेसिडेंस हाइपरटेंशन विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। आज के इस सेमिनार में डॉक्टर डी नाथ ने जिले के सिविल सर्जन को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया, जिसमें डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने बताते हुए कहा कि हाइपरटेंशन कैसे मरीजों को जकड़ता जा रहा है और कैसे इस बीमारी से मरीजों को निजात दिलाई जा सकती है। इस पर सचित्र प्रकाश डाला, लोगों की आम दिनचर्या खराब होने की वजह से और रक्तचाप सामान्य नहीं होने की वजह से हाइपरटेंशन के रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमेशा ही अपने फिजिशियन से मिलते रहना चाहिए। ये जो टर्म्स है रेसिडेंट हाइपरटेंशन, ये बेसिकली फिजिशियन एक आम आदमी को सिर्फ अपना ख्याल रखिए, रेगुलर दवाई लेते रहिए, डॉक्टर से मिलते रहिए और ब्लड प्रेशर का चेक आपको हर एक मशीन होनी चाहिए, हर महीने या हर हफ्ते अगर पॉसिबल हो तो करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिजिशियन से मिलिए और उनसे बोलिए कि दवा में जो बदलाव हो सकता है। सर, होने का कारण क्या होता है? बहुत से कारण हैं। शरीर की फिजियोलॉजी का बदल जाना सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। बहुत चीज़ें होती हैं कभी कभी, जैसे एयरटिक डिसेक्शन पर भी मैंने कोई प्रेजेंटेशन दिया, तो एयरटिक डिसेक्शन कराता है कोई, कुछ कुछ जीवन बीमारियाँ होती है जैसे वास्कुलाइटिस, ये सब कराता है जिसमें ब्लड प्रेशर कम होना मुश्किल होती है। तब कोई हार्ट अटैक में भी ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से भाग जाता है और फिर वो सुनता नहीं। तो ये बीमारी बहुतायत में है सर? बहुतायत में है। सर का क्या नाम हो गया? डॉक्टर सौरभ।